हाय गाइस, दिस इज शहजाद अहमद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 16। आज हम टेबल्स के बारे में देखते हैं कि हम टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं इन HTML, हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। एंड देखते हैं हमारे पास है क्या टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको नहीं है पता तो आप देख सकते हैं, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप रो एंड कॉलम्स में चीज़ें डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि ये रो है, ओके, रो एंड कॉलम, कॉलम एंड रो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है, सिंपल टेबल का स्ट्रक्चर। हम देखेंगे कॉल स्पेन क्या है, फर्दर हम देखेंगे रो स्पेन क्या है, एंड कुछ और हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, एंड उनकी एट्रीब्यूट्स भी हम देखेंगे। सबसे पहले टेबल देखेंगे हम, टेबल रो, टेबल डेटा क्या है, टेबल हेडिंग क्या है, सेल सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनके, कॉल स्पेन एंड रो स्पेन क्या हैं वो भी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे। टेबल्स को हम बैकग्राउंड्स वगैरह हम कैसे देखते हैं, टेबल ओवरथ एंड हाइट। सो स्टार्ट करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं, सेम स्ट्रक्चर है हमारा। टेबल्स टेबल डॉट HTML के नाम से हम फाइल सेव करते हैं, एंड सबसे पहले हम टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं एंड क्लोज करते हैं। एंड हमारे पास सबसे पहले टेबल रो है, ओके, टेबल रो है हमारे पास, टी आर मीन्स टेबल रो, ओके, एंड टेबल डेटा। फॉर इंस्टेंस, वन टू थ्री फोर, वापस चलते हैं। हमने अभी अभी टेबल्स के नाम से अपनी एक फाइल बनाई थी, टेबल डॉट HTML। डबल क्लिक करते हैं, उसे रन करते हैं अपने ब्राउजर पे। आप देख सकते हैं कि आपके पास सिंपल एक टेबल है, ओके। टेबल का हम एट्रीब्यूट देते हैं बॉर्डर वन, ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर बॉर्डर है हमारा, ओके। अब टी आर मीन्स टेबल्स रो, टी डी मीन्स टी आर, आप देख सकते हैं वो टेबल हमारी रो है, ओके। टेबल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल हमारा स्टार्ट हुआ, एंड टेबल रो, देन आप देख सकते हैं कि टेबल रो है स्टार्ट एंड टेबल रो क्लोज। टी आर के अंदर, टेबल रो के अंदर हमेशा टेबल डेटा आएगा। आप देख सकते हैं कि रो मीन्स रो डेटा, ये है वन टू थ्री फोर। अगर आप एक और रो बनाएंगे यहाँ पे टी आर एंड उसे क्लोज करते हैं, टी आर देके देन आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप टी डी देते हैं, टी डी मीन्स टेबल डेटा, ओके, फाइव, ओके। स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि रो न्यू स्टार्ट हुई है हमारी, हमने टेबल डेटा एक ही दिया, इसी वजह से एक ही शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके टेबल डेटा टू थ्री फोर, ओके, आप देख सकते हैं हमारे पास फोर टेबल डेटा है, ओके। तो आप बजाय इसके कितना बोरिंग लग रहा है और दूसरा रिकमेंड भी नहीं है, तो आप चीज़ों को सेपरेट रखें, ओके। टी आर जो है वो टेबल डेटा एक, टेबल डेटा आपका क्लोज हुआ, पढ़ने में बहुत आसानी होगी, डीबगिंग में बहुत आसानी होगी, जो आने वाला कोई भी दूसरा आने वाला जो भी होगा प्रोग्रामर, तो उसे भी आसानी होगी। तो चीज़ें आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो हमारे पास सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या है, हम आते हैं सेल स्पेसिंग। फॉर इंस्टेंस आप फाइव दे दें, वापस जाके देखते हैं, आप देख सकते हैं कि सेल्स में स्पेस आ चुका है, ओके। एंड हमारे पास सेल पैडिंग के नाम से भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। हम वापस चलते हैं, सेल पैडिंग के नाम से 10 कर देते हैं, वैल्यूज की 10 दे देंगे, आप देख सकते हैं कि पैडिंग्स आ जाती है। सेल स्पेसिंग, सेल्स में आपकी स्पेस आएगी, पैडिंग मीन्स अंदर से आपकी पैडिंग्स आ जाएगी। अगर आप हटाएंगे पैडिंग को, तो आप देख सकते हैं कि आपके सेल्स कुछ
ऐसे दिखाई देंगे। फॉर इंस्टेंस हम 5 रखते हैं तो ये आपकी सेल्फ एडिंग 5 हो गई है। वापस चलते हैं एंड हम देखते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, हम टेबल के अंदर एक रो बनाते हैं टी आर एंड उसे कह उसके अंदर हम टेबल डेटा रखते हैं, उसे हम देते हैं रो स्पैन। ठीक है, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमने कॉलम्स में डिफाइन करना है, रो को भी हम देखते हैं कॉल स्पैन। कॉलम कितने में चाहिए, 3 में चाहिए हमें। वापस जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने टेबल में डेटा कुछ नहीं डाला। ठीक है, तो 3 में डिवाइड हो गया कॉलम आपका। 4 चाहिए आपको तो आप देख सकते हैं एक पूरा कॉलम 4 के बराबर है। हम उसको बता रहे हैं कि कॉल स्पैन कॉल जो कॉलम है हमारा, ठीक है, जो डेटा है हमारा वो 4 तक हो। ठीक है, ऐसे ही हम रो स्पैन लगाएंगे। फॉर इंस्टेंस एक हम टी आर बनाते हैं, टी आर मीन्स टेबल रो, एंड हम डेटा डालते हैं 3 डेटा डालते हैं 1। ठीक है, कॉपी करते हैं 2 एंड देन 3, सॉरी। हम वापस चलते हैं एंड एक और रो बनाते हैं। ठीक है, हम सेव करते हैं फिलहाल के लिए, जाते हैं आप देख सकते हैं कि 3 आपके आ गए हैं। हम एक और टेबल रो टी आर बनाते हैं एंड टी आर को हम क्लोज करते हैं। देन हम ओनली 2 देते हैं, हमने वहां पे अब रो स्पैन। ठीक है, रो स्पैन हमारा 2 के बराबर अगर आप कर देंगे तो आप देख सकते हैं रो स्पैन में आपका फर्स्ट वाला जो सेल है वो 2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप 3 करेंगे 3 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज आपके पास टोटल रो 2 है, इसी वजह से आप ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो टोटल रो आप देख सकते हैं कि ये अलग रो है, ये अलग रो है एंड ये अलग रो है। यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो 3 है, टी डीज 3 है, यहाँ पे टी डीज 2 है। ठीक है, हमारे पास 2 एंड 3, लेकिन हम उसे बता रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला है उसको रो स्पैन कर दें। ठीक है, आप कट करके यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, एंड आप थर्ड वन में देंगे तो थर्ड वन को वो कर देगा। ठीक है, तो आप चीजें ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड्स हैं हमारे टेबल्स के, आप बैकग्राउंड्स कैसे सेट कर सकते हैं, पीजी कलर आप देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस ऑलिव। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बीजी कलर एंड ऑलिव। ठीक है, तो ये आपका बीजी कलर ऑलिव हो चुका है। ठीक है, एंड आप विड्थ प्रॉपर एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, विड्थ आपकी 1000s है तो 1000s होगी, या आप हाइट भी दे सकते हैं, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फॉर इंस्टेंस 400 तो आपकी हाइट 400 होगी। तो चीज़ें आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। एंड आप टी आर जो हम सबको क्लीन करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम जो हमने यहाँ टी डीज बनाई हैं, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एंकर बनाते हैं एंड एच रेफ लिखते हैं। ओके, एच रेफ एंड एंकर क्लोज करते हैं एंड क्लोन बनाते हैं सेम कंट्रोल डी से। 4 क्लोन है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि आप ऐसे भी एंकर रख सकते हैं, या आप हम ऐसा करते हैं कि इमेज रख के देखते हैं कि आप इमेज रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ठीक है, हम इमेज रखते हैं, सोर्स उसे बताते हैं कि हमारे
पिक्स में, पिक्स के अंदर एक लोगो डॉट जेपीजी के नाम से पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि वन, ठीक है, टीडी वन है, टेबल डेटा आपका वन है, अगर आप टेबल डेटा थ्री रखते हैं थ्री, अगर आप फोर रखते हैं, जितने भी रखना चाहें, तो आप चीज़ें ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा टेबल्स के बारे में। आप और भी एक्सप्लोर कीजिएगा, आप और भी चीज़ें देख सकते हैं जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो या जैसे आप मैनेज करना चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।